हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 20 मार्च 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर से बन सकते थे उन सारे के सारे इस क्लास में इंक्लूड है। अगर आप इस क्लास के पीडीएफ अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवेन है। सो लेट्स नाउ, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है। तो आपको पता होगा कि सबसे प्रदूषित जो राजधानी जो बन चुका है दोस्त पूरे विश्व भर में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, तो बन चुका है दिल्ली। दिल्ली जो है वो सबसे प्रदूषित शहर के रूप में जो है वो घोषित कर दिया गया है। आपको पता होगा, चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स की बात करते हैं। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की एक नई रिपोर्ट अनुसार दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। दिल्ली आपको पता होगा इंडिया की राजधानी है। हर रिपोर्ट को इसे स्विट्जरलैंड के एक गठबंधन यानी कि IQAIR द्वारा प्रकाशित किया गया। तो हर एक रिपोर्ट जो पब्लिश की जा रही है ये स्विट्जरलैंड के एक संगठन है जिसका नाम है IQAIR नाम है, उसके द्वारा जो है वो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान पब्लिश कर देगा, नहीं। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि साल 2018 से अभी तक 4 बार दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। तो वहां पे पिछला बार मैंने एक बार सुना था कि वहां पे जो है वो कुछ पुचाड़ा जो होते हैं, मतलब नेवारी टाइप के कुछ पुचाड़ा होते हैं जो धान से निकलते हैं, तो उसमें जो है वो क्या करते हैं, उसको जो है वो वहां के लोगों ने जला दिया था और उसी के कारण वहां पे मोस्टली डेंस हो गया था, मतलब पूरा का पूरा पॉल्यूशन फैल गया था। लेकिन अभी हाल ही में कुछ खबर आ रही है कि आपका जो है वो मतलब 2018 से अभी तक, मतलब 18 19 20 21 22 23 24 यानी कि 6 साल में, अभी 6 साल तो कम्प्लीट, यानी कि 5 साल में 4 बार जो है वो दुनिया की सबसे सबसे प्रदूषित शहर के लिस्ट के लिस्ट में जो है आपका दिल्ली, इंडिया की राजधानी दिल्ली आ चुका है। आप देख सकते हैं दिल्ली हैज बीन द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड 4 टाइम्स सिंस 2018। आपको पता है कोई भी टाइम लगती है उसके पहले सिंस लगती है, आपको तो ये पता होगा। भारत का औसत वार्षिक पीएम आर्थिक औसत औसत वार्षिक पीएम 2.5 से 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इसके बारे में और भी जान लेते हैं कि बांग्लादेश दुनिया में सबसे दूषित देश रहा है। तो पूरे विश्व भर में अगर बात करें तो सबसे दुनिया की सबसे सबसे दम पोल्यूटेड यानी कि बांग्लादेश हैज बीन द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा जो है वो पोल्यूटेड कंट्री के लिस्ट में बांग्लादेश आती है। और सेकंड नंबर पर आती है पाकिस्तान, दुनिया के सबसे दूसरे देश पाकिस्तान दूसरा सबसे प्रदूषित देश रहा है। पाकिस्तान इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के सेकंड पोल्यूटेड कंट्री के लिस्ट में पाकिस्तान भी आती है। और भारत 134 देशों में से तीसरा सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश बन गया, मतलब कि खराब पॉल्यूटेड के मामले में इंडिया भी आती है। इंडिया हैज बिकम द थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी कंट्री आउट ऑफ 134 कंट्रीज। तो ठीक है, यहाँ से कंप्लीट होता। अच्छा, आप ये जान लीजिए कि बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे सबसे प्रदूषित महानगरी के क्षेत्र में करार दिया गया है। बिहार बेगूसराय हैज बीन टर्म्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द वर्ल्ड, दुनिया की शीर्ष 11 सबसे दूषित शहरों में से 10 भारत के हैं। 2024 के प्रमुख सूचकांक की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि लैंगिक असमानता सूचकांक में 2022 में भारत की रैंकिंग 108 है और पहला नंबर पर जो है, पहला जो आपका 2024 में जो प्रमुख सूचकांक जो पेश किया गया था लैंगिक समानता सूचकांक में 2022 में भारत की रैंकिंग जो रही थी वो 108 रही थी, लेकिन पहले नंबर पर जो रहा था वो आपका डेनमार्क रहा था। उसके बाद में मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत की रैंकिंग 134 रहा था, जिसमें कि पहला नंबर पर रहा था आपका स्विट्जरलैंड रहा था।
तो आगे चलते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 2023 में आपका जो है वो 93 नंबर पर भारत रहा था और पहला नंबर पर डेनमार्क रहा था। भ्रष्टाचार के मामले में जो सूचकांक पेश करती है, रिपोर्ट पेश करती है, उसके मामले में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में अर्टन अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार, मतलब कि पासपोर्ट के मामले में पासपोर्ट इंडेक्स कैपिटल जो है उस पर जो है वो भारत जो रहा है वो आपका 66 नंबर पर रहा है, और पहला नंबर पर जो रहा है वो आपका रहा यूएई रहा, यूएई रहा है। अच्छा, उसके बाद में आगे बात करें तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो रहा है वो 7वें नंबर पर इंडिया रहा है, और पहले नंबर पर, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कोई देश नहीं है, लेकिन डेनमार्क जो है वो आपका 4थे नंबर पर है, एस्टोनिया जो है वो आपका 5 नंबर पर है, और फिलीपींस जो है वो आपका 6 पर है। ठीक है जी, लोकतंत्र सूचकांक 2024 में आपका जो है वो जो भारत जो रहा है वो आपका 41 नंबर पर रहा, और फर्स्ट नंबर पर आपका रहा है नॉर्वे रहा है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स का फर्स्ट फर्स्ट हाफ 2024 में 85 नंबर पर भारत रहा, और जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और आपका जर्मनी पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग जो रहा था वो आपका 42 रहा था। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के अनुसार जो रहा था वो 42 नंबर पर रहा था, आपका इंडिया रहा था, और आपका जो फर्स्ट नंबर पर जो रहा है वो आपका यूएस रहा है बौद्धिक के मामले में। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 में भारत में आपका जो तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जो रिपोर्ट आई थी 13,874 तेंदुआ है, यानी कि लेपर्ड लेपर्ड से बहुत लेपोरा ले लेपोर्ड लेपर्ड लेपर्ड रिपोर्ट इंडिया है जितना लैम्पार्ड्स इन 2024। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 में सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश, तेंदुआ रिपोर्ट 2024 में सबसे अधिक जो तेंदुआ की लिस्ट जो आई है वो सबसे ज्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में, जिसको भारत की हर्ट बोला जाता है। आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, किस देश के बीच शुरू हुआ था? आप कहेंगे वो जो हुआ है वो अमेरिका के बीच हुआ है, सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइम्फ। आप इसको ऐसे भी आसा करते हैं कि ट्राइम्प ट्राइम्प जो है ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे? तब कहेंगे सन या ट्राइम्प जो है वो अमेरिका के हुआ करते थे। तो अमेरिका आपका जो है वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाए। इसके बारे में कुछ और भी बातें करते हैं तो आप कहेंगे भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी को बढ़ाने के लिए त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन किया जा रहा है। आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो है वो एक एक जो है वो भागीदारी के लिए, भागीदारी को बढ़ावा के लिए त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन किया जा रहा है। अठारह से 31 मार्च 24 तक पूर्वी समुद्री तट पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं कि आपका टाइगर टाइगर ट्राइम्फ का पहला संस्करण जो हुआ था वो 2019 में किया गया था, यानी कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ द टाइगर ट्राइम्फ वाज डन इन 2019। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले प्रमुख युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच जो हुआ है, आपको पता है कि पहले जो हमने ये जो हम लोगों ने अभ्यास करा इसका नाम है सैन्य अभ्यास, नाम है टाइगर ट्राइम्फ जिसको 2024 में कहते हैं, और उसके बाद में जो हमारे भारत और इंडिया के बीच में जो प्रमुख युद्ध अभ्यास जो चलाया जा रहा है वो आपका जरा ब्रज प्रहार, ये इंडिया और भारत के बीच में है, इंडिया इंडिया और भारत के बीच कर रहे हैं, इंडिया और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास, अभ्यास तरकस, कोप इंडिया और आपका मालाबार युद्ध अभ्यास, उसके बाद में आपका भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में चलाया जा रहा है ये तो मालाबार युद्ध अभ्यास।
अन्य प्रमुख युद्ध अभ्यास की अगर बात करते हैं तो अन्य प्रमुख युद्ध जो है युद्ध अन्य प्रमुख युद्ध अभ्यास जो चलाया जा रहा है वो कौन कौन देश के साथ चलाया जा रहा है। तब कहें कि मैत्री मैत्री युद्धाभ्यास, मैत्री युद्धाभ्यास जो चलाया जा रहा है भारत और थाईलैंड के बीच चलाया जा रहा है। किसके बीच चलाया जा रहा है? तब कहेंगे मैत्री युद्धाभ्यास जो है वो आपका भारत और थाईलैंड के बीच चलाया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जाते हैं अभ्यास आयुत्य, अभ्यास आवा अभ्यास आयुत्या जो चलाया जा रहा है वो आपका भारत और थाईलैंड के बीच चलाया जा रहा है। दोस्ती युद्धाभ्यास जो चलाया जा रहा है भारत और आपका मालदीप और आपका श्रीलंका के बीच में ये चलाया जा रहा है। मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के बीच में चलाया जा रहा है। और समुद्र शक्ति जो चलाया जा रहा, समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता होगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और आपका जो है वो एक क्यूवीरियन जो चलाया जा रहा है वो आपका भारत और मालदीप। मालदीप के बारे में आपको हाल ही में पता होगा कुछ जो है वो मामला हो गया था, क्योंकि मालदीप के जो है वो मालदीप के यहाँ के राष्ट्रपति जो थे वो मोदी का कुछ मतलब कि एक मिस बिहेवियर मतलब कि एक रोस्टिंग टाइप की कुछ कर दिए थे। नोमिडेक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच चलाया जा रहा था। नोमिनेट एलिफेंट मंगोलिया, वही मंगोलिया जहां पे एक जो वही मंगोलिया जहां पे जो कौन था, एक तो था बुर्ज अली था, नहीं मंगोलिया वही शहर है जिसका क्या नाम था जहां पे एक जो है वो वहां से गुजरता था, मंगोलिया का चंगेज खा। हाँ, मंगोलिया का जो एक चंगेज खा हुआ करता था जो कि जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि क्रूर इंसान था। डस्टिल डस्टिल युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में चलाया जा रहा। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में चल रहा है। खंजर खंजर जब उसके दिल में घुसेगा ना, खंजर मतलब किल होती है यानी किर्गिस्तान। ऑपरेशन वर्ल्ड कुरुक्षेत्र, ऑपरेशन ऑपरेशन वर्ल्ड कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्षेत्र के मामले में ज्यादा नहीं है तो भारत और सिंगापुर के बीच में जो चलाया जा रहा। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया जा रहा है? आपको पता हो कि नो योर कैंडिडेट चलाया जा रहा है। इसमें आप ये जान पाइएगा दोस्त कि नो योर कैंडिडेट की मतलब कि जितने भी आपका जो है वो लोकसभा में आपका खड़ा हो रहे हैं उनके बारे में आप डिटेल्स को जान सकते हैं। बाकी बातें इसमें करते हैं। नो योर कैंडिडेट यानी KYC ऐप के माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता कर सकते हैं कि उसके मामले में जो है वो आप सारे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और आप गलत है या बुरा है जिसको आप वोट देना चाहते हैं उसके बारे में उसकी डिटेल्स जान लीजिए कि ये अगर खराब इंसान है मतलब अपने खराब इंसान है तो क्या मतलब कि बाकी लोगों को क्या खराब क्या सही कर सकता है। ये बात हो गया। उद्देश्य की बात करते हैं तो इसकी उद्देश्य जो रहा है वो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो इसका रहा है टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड एकाउंटेबिलिटी इन द इलेक्शन प्रेस। उम्मीदवारों को समाचार पत्रों और टेलीविजन पर 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना आवश्यक है। तो जो उम्मीदवार खड़ा होंगे उसको समाचार पत्रों में टेलीविजन पर 3 बार अपने अपने अपराधी अपने आपराधिक जो है वो रिकॉर्ड का खुलासा करना आवश्यक है, ये ऐसा कहा जा रहा। भारत का चुनाव आयोग के मामले में अगर बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जिसकी जो स्थापना की गई थी वो 1950 में जनवरी के 25 को की गई थी। उसके बाद में यह देश में लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभाओं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करती है, जिसकी स्थापना जो होती है वो 1950 25 जनवरी को होती है, यानी कि 25 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। अनुच्छेद जो है वो कितनी में था आपका, अनुच्छेद जो है वो आपका 324 से 329 चुनाव आयोग से संबंधित बातें की गई है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है। मैंने आपको बताया था कि वोट उन्हीं से आप दिला सकते हैं जिनको आप राजी कर सकते हैं, यानी कि राजीव हमारे याद हो गया। और 25 जनवरी 1950 को उसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखेगा। और उसके बाद में अनुच्छेद कौन सा, वो जो अनुच्छेद है वो 324 से लेकर के 329 तक चुनाव आयोग की बात की गई है। चुनाव आयुक्त की बात
करते हैं तो आपका जो है वो चुनाव आयुक्त जो रहे हैं वो आपका ज्ञानेश कुमार और आपका सुखवीर संधू रहे हैं। ऐप और पोर्टल की बात की है कि ऐप और पोर्टल हाल ही में जो लॉन्च की गई है किनके द्वारा की गई है, तो आप कहेंगे प्रेस सेवा पोर्टल जो कि अनुराग ठाकुर के द्वारा की गई है, स्वाति पोर्टल जो कि अजय कुमार सूद के द्वारा की गई है, धर्मेंद्र प्रधान जिनके द्वारा जो ऐप ऐप लॉन्च किया गया अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है, उसके बाद में आपका पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्राम एवं ग्राम ग्राम मंच ऐप लॉन्च किया गया, उत्तर सरकार के द्वारा आपका जो है वो कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश के द्वारा कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब होती है कंज्यूम करना, मतलब किसी चीज को लेना, मतलब इस तरह का से आप कर सकते हैं। तो पूरी पूरी आप लिस्ट को याद सकते हैं कि प्रेस प्रेस सेवा पोर्टल अनुराग प्रेस, जब प्रेस करते हैं तब प्रेस कर जब जब हम लोग प्रेस करते हैं किसी चीज, जब हम लोग किसी चीज पर प्रेस करते हैं तो उसके जो अणु जो होते हैं वो एकदम से डेंस हो जा मतलब डेंस हो जाते हैं, मतलब कि एकदम सेट जाते हैं, वैसे तो फैला हुआ रहता है लेकिन जो प्रेस जब करते हैं ना प्रेस सेवा पोर्टल, हाँ तो अनुराग ठाकुर तो प्रेस जब करते हैं तो उसके अणु जो है वो मोस्टली डेंस हो जाते हैं। स्वाति पोर्टल, स्वाति पोर्टल जो है वो अजय कुमार सिंह, इसको आप रिलेट कर सकते हैं स्वाति यानी कि जो है वो अगर आप स्वयं स्वयं पर अगर अपने अच्छा हाँ अगर आप स्वयं पर अपने समय दे करके खर्चा करिएगा तो आप एकदम अजय बन जाइएगा, अजय मतलब आपकी नाम जो है वो अजय हो जाएगा, मतलब कि जय जय हो जाएगा। ये हो गया अपना चंद्रयान पोर्टल, चंद्रयान पोर्टल अपना चंद्रयान पोर्टल यानी कि अपना चंद्रयान, अच्छा चंदा चंदा से आप याद रख सकते हैं कि अपना चंद्रयान पोर्टल जो है, अपना चंद्रयान पोर्टल की बात करते हैं तो अपना चंद्रयान पोर्टल जो हो जाएगा वो क्या ही हो जाएगा, तब अपना चंद्रयान पोर्टल जो हो जाएगा अपना चंद्रयान पोर्टल, इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि अपना चंदा जो होती है, अपना चंदा जो होती है वो अपना अच्छा हाँ आप मान लीजिए अपना कोई बेटा होती है वो आंधर रहे चाहे लांगड़ा रहे, अपना जो चंदा होती है वो एकदम धमधम करते रहती है, मतलब कैसा कि उसका सबका प्यारा होती है अपना चंदा। ग्राम मंच ऐप तो आपको पता होगा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया जाता, कंज्यूमर ऐप, कंज्यूमर ऐप को आप इधर इस तरह का याद है कि उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो एकदम कंजूस होते हैं, कंज्यूमर कंज्यूमर मतलब होती है कि कंज्यूम करना, मतलब किसी चीज को लेना, शायद इस तरह से होती है। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो साथी जब जब आप कृषि के काम करेंगे खेती के काम करेंगे तो उसमें आपको साथ चाहिए था, तो साथी पोर्टल जो है वो एक कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। कॉल बिफोर यू डिग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया था, तो कॉल बिफोर यू डिग, तो कॉल बिफोर यू डिग इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि कॉल बिफोर यू डिग, तो मतलब कि कॉल पर जो है वो पहले बात करते थे, मतलब बिफोर बिफोर मतलब पहले होती है, तो कॉल पर बात करते थे पहले नरेंद्र मोदी से, लेकिन आप वो देश की प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो आप जो है वो उनसे बात नहीं कर सकते। प्रहरी प्रहरी ऐप, हाँ प्रहरी प्रहरी मतलब होती है BSF एवं गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता। अब देखिए प्रहरी प्रहरी का मतलब होती है कि प्रहार करना, मतलब किसी के ऊपर प्रहार करना, तो प्रहार कौन करेगा, हम लोग आम जनता तो नहीं करेंगे, वो BSF करेगा, BSF और गृह मंत्रालय मतलब मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अच्छा उसके बाद में जलदूत ऐप, अच्छा जल जल जो होती है, जल की बहुत ज्यादा जो है वो बर्बादी हो रही है, कहाँ पे बर्बादी हो रही है, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। जलदूत जल जो है वो गाँव में बर्बाद किया जाता है, तो जल जो हो जाएगा वो जल ग्रामीण, इस तरह से हम लोग जो है ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ रहेगा और किसी तरह से हम लोग जो है वो आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ACCALE स्केल स्केल ऐप जो है वो शिक्षा मंत्रालय के, स्केल तो आपको बताओगे कि स्केल जो होते हैं पढ़ाई में काम होते हैं, तो शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया था। धर्मेंद्र प्रधान आपने पहले भी पढ़ा था कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपना चंद्रयान लॉन्च किया। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है, तो पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ था, आपका है कि वो नागालैंड में शुरू हुआ, पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है, द थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 हैज बिगिन इन विच स्टेट, तो आपका है कि वो नागालैंड के द्वारा शुरू किया गया। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने खेलो
खेलों की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की है। नागालैंड के मुख्यमंत्री के बारे में आप नागालैंड के मुख्यमंत्री को आप कैसे याद रख सकते हैं? आपका एक नाग, जब नाग निकलती है तो हमको नेफ्यू 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 मतलब हमारे जो नेफ्यू मतलब होती है भतीजा, यानी कि भतीजा को हमको नाग से डर लगती है। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने खेलों की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की है। पूर्वोत्तर खेल 2024 का आयोजन पूर्वोत्तर खेल 2024 का आयोजन 18 से 23 मार्च 2024 तक किया जाएगा। इस खेल आयोजन में उत्तर पूर्व के सभी राज्य हिस्सा लेंगे। चलिए अगला नंबर है, आगे इसके बारे में बात करते हैं कि यह पूर्वोत्तर राज्य के बीच एकता और एकजुट को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। मतलब कि एकता और आपका एकजुट के मामले में जो यह जो है वो मतलब बढ़ावा देने के लिए है कि आप जो है वो एक रहिएगा तो आपके साथ जो है कुछ भी आपका लिए असंभव नहीं रहेगा। इस पंद्रह विश्व में खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। भारत में पूर्वोत्तर खेलों का पहला आयोजन 2018 में हुआ हुआ था। भारत में पूर्वोत्तर खेलों का पहला आयोजन जो हुआ था वो आपका होता 2018 में हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका राज्य है जो कि पूर्वोत्तर में कौन कौन आता है। आपका पूर्वोत्तर में आती है अरुणाचल प्रदेश आती है, एक हुआ नागालैंड, दो हुआ मणिपुर, तीन हुआ उसके बाद में हुआ मिजोरम जो हुआ वो चार हुआ, उसके बाद में त्रिपुरा पांच हुआ, असम असम छह हुआ और आपका मेघालय सात हुआ। ये सातों जो है वो एक सेवन सिस्टर के मामले में ये जाने जाते हैं, सेवन सिस्टर इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में स्पोर्ट करने से अभी की बात करते हैं तो आपका WPL 2024 का खिताब जो जीता है वो आपका रॉयल चैलेंजर चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। रणजी ट्रॉफी 2023 24 का खिताब मुंबई मुंबई ने विदर्भ को हराकर जीता है। रणजी ट्रॉफी जो है वो आपका जीता है विदर्भ को हराकर जीता है। आपको पता होगा 2023-24 रहा था इसका संस्करण। यशस्वी जायसवाल सदरलैंड को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। सात्विक और चिराग ने WWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता है। उसके बाद में हमारे हैं इंग्लैंड इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया का पहले तेज गेंदबाज बन चुके। तो जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया का पहले गेंदबाज बन चुके हैं। खेलो इंडिया पदक विजेता अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र माने जाएंगे। तो खेलो इंडिया पदक विजेता अब जो है वो आपका जो है वो सरकारी नौकरियों के लिए जो है वो पात्र माने जाएंगे। साई प्रणीत ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। आपको पता होगा मैंने पहले पता आज का पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कहता है विनायक कुमार देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। तो विनायक कुमार देश में भारत के एक नए राजदूत बनाए गए हैं, वो आपका बनाए गए हैं रूस के विनायक कुमार। भारत ने विनायक कुमार को रूस के लिए देश का नया राजदूत अपॉइंट किया है। विनायक कुमार अब तक म्यांमार में भारत के एम्बेसडर थे। हाँ, जो आपका जो विनायक कुमार जो है वो तब तक म्यांमार में भारत के जो है वो क्या थे, एम्बेसडर थे। और आपका रूस म्यांमार में और रूस के राजदूत के रूप में ओबा पवन कपूर का स्थान लेंगे। मतलब पहले जो था रूस में पवन कपूर था, लेकिन अब जो राजदूत के रूप में रूस में गए हैं वो आपका क्या है, विनायक कुमार। आप कैसे याद कर सकते हैं, तो आप कहेंगे रूस रूस में कोई भी जाता है तो वो आदमी विनय नहीं होता, मतलब कि विजय नहीं होता, तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। विनायक कुमार 2018-20 तक अफगानिस्तान में भारतीय डिप्लोमैट के तौर पर काम कर चुके हैं। ये भारतीय विदेश सेवा IFS के 1992 बैच के अधिकारी हैं।
उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, रूस की बात हुई तो रूस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि राजधानी जो वहाँ के है मॉस्को है, और वहाँ के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है, और वहाँ के प्रधानमंत्री जो मिखाइल मिशुस्टिन है, यानी कि मिखाइल मिशुस्टिन है, और मुद्रा वहाँ का रूबल है, और उसी संसद जो है वो आपका ड्यूमा है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा जा करके नियुक्त राजदूत की बात करें तो आपका जो है वो तुर्कमेनिस्तान में आपका जो राजदूत के रूप में गया है वो आपका मधुमिता हजारिका गया। अंगोला में आपका गया है विधु पी नायर गया है। चेक गणराज्य में गया है आपका रवीश कुमार गया है। डेनमार्क में गया है आपका मनीष मनीष प्रभात गया। और आपका ग्रेनेडा और डोमिनिका में गया आपका प्रदीप राजपुरोहित गया है। फिनलैंड में गया है हेमंत एच कोटलवा गया है, कोटलवार गया। उज्बेकिस्तान में स्मिता पंत गया, और बुरुंडी में आपका गया है उपेंद्र सिंह रावत गया। गिनी बिसाउ गया है आपका दिनकर अस्थमा में अस्थमा, और आपका जो मेजाम्बिक में गया है आपका रॉबर्ट सेट किंग टाउन गया है। 2024 के प्रथम की बात करते हैं तो सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली जो महिला चिकित्सा अधिकारी जो गया है वो आपका कैप्टन फातिमा वसीम गया है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर डॉक्टर आचता कृष्णा मूर्ति गया है। राम लैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश जो बना है वो आपका नेपाल बना। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब है। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला जो राज्य बना पंजाब बना। और विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र बना अबू धाबी बनी है। और आपका दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर जो बनी है वो आपका तेलंगाना में बनी है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य जो बना है वो उत्तराखंड बना है। और सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला जो देश बना है वो आपका भूटान बन गया। और आपका देश का पहला पशु शवदाह गृह जो बना है वो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में गया। ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन जो बना है वो आपका भोपाल बना है। और आपका जो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो बना है आपका तट मंदिर बना है, कौन, तमिलनाडु में। आज का छठा नंबर क्वेश्चन है तेलंगाना के राज्यपाल और पुंडुचेरी के उप राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तो आप कहेंगे सीपी सीपी राधा कृष्णन को दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुंडुचेरी के उप राज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। इसे पहले तमिल साई सुंदर सुंदर राजन तेलंगाना के राज्यपाल और पुंडुचेरी के उप राज्यपाल को जिम्मेदारी संभाल रही रही थी। सीपी राज्यपाल 2023 से झारखंड के 10वें और वर्तमान राज्यपाल थे। राधा कृष्णन 2016-2019 तक अखिल भारतीय कॉरियर बोर्डर के अध्यक्ष थे। सभी राज्य की राज्यपाल की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राज्यपाल है आपका एस अब्दुल नजीर। अच्छा इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के जो है वो आपका एस अब्दुल नजीर है। तो आंध्र प्रदेश में एक मुझे एक ही ध्यान आती है कि आंध्र मतलब होती है आंध्र होती है, और आंध्र कौन होती है, तो अब्दुल कलाम जो थे ना, तो अब्दुल कलाम जो थे ना, ऐसे ही याद रखते, अब्दुल कलाम जो है ना वो मिसाइल बनाते बनाते मतलब राष्ट्रपति से मिसाइल मैन बनते बनते उनकी जो है वो इतनी आंख जो है वो चंद्रा गया था, इसलिए कि आंध्र प्रदेश का जो है वो एस अब्दुल नजीर है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो अरुणाचल, क्योंकि राज्यपाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
राज्यपाल की बात करें तो आपका कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका क्या होती है, अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, लेकिन अरुणाचल अरुणाचल अरुण 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 जो है वो ना चलने की बात कहा है, तो उसको जो है वो ना चलने की बात कर रहा, और ना चलने की बात कर रहा है तो वो बैठे बैठे एकदम से थुल हो जाएगा, तो उसको कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे बौद्ध धर्म में नहीं होता है कैवल्य की प्राप्ति करना, तो ऐसे कैवल्य की प्राप्ति नहीं करता है, और यानी कि अपने तीर्थ यात्रा पर वो नहीं पहुंच पाएगा। कैवल्य की प्राप्ति नहीं करेगा तो वो तीर्थ यात्रा पर नहीं पहुंच पाएगा। असम असम की बात करें, असम का गुलाब चंद्र कटारी आज आज शाम की जो है बहू आई वो गुलाब लेकर आए ऐसे आप याद रख सकते हैं कि आज शाम की जो बहू आई है वो गुलाब लेकर के आई है। उसको उन्हें बिहार बिहार के राज्यपाल बिहार के राज्यपाल जो है बिहार के राज्यपाल जो आपका राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। अच्छा, बिहार के राज्यपाल जो आपका राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है, राज्य में बिहार के राज्य, तो बिहार से कैसे याद रखेंगे, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार की सरकार है, तो बिहार तो सीएम हो गया। बिहार राजेंद्र राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है, तो आप बिहार से ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि हो गया जगह के बिहार, तो बिहार बिहार का मतलब होती है टहलना, और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो राजेंद्र प्रसाद असल में बिहार के नहीं थे, तो आप ऐसे भी याद रखते कि बिहार में जो है वो बिहार मतलब टहलना होती है, और टहलने के मामले में जो को रूल अगर बनाते थी उस टाइम में वो आपका राजेंद्र प्रसाद बनाते थे। आपको पता हो कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे, अभी भी है, अरे अभी भी सॉरी अभी कहा, झारखंड 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 के आपका जो राज्यपाल है वो आपका सीपी राधा कृष्णन। झारखंड से आप कैसे नहीं याद रख सकते, झारखंड में होती है क्या होती है, झारखंड में होती है आपका, झारखंड में आप झार याद रख सकते, और कृष्ण जो राधा कृष्ण जो थे राधा कृष्ण जो वो माखन खाते थे तो वो झरझर गिरता था, झरझर गिर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल जो है अब आपका बिस्वा भूषण हरिचंद्र है, आप इसको छत्तीस छत्तीस छत्तीसगढ़ से बिस्वा, अच्छा छत्तीस तेरे पीछे 36 है तो मेरे पीछे 20 है, तेरे पीछे अगर कोई 36 लौंडा है तो मेरे पीछे लगभग लगभग 200 लौंडा, ऐसे भी याद रख, 36 से 20 लौंडा राज्यपाल के मामले। उसके बाद में गोवा का जो है वो पी एस श्रीधरन पिल्लई है। अच्छा गोवा गोवा ऐसा लग रहा है कि वो छोटा सा एकदम पिल्लू जैसा पिल्लई, उसके नाम में ही पिल्ले है। अच्छा गुजरात गुजरात से गुजरात का आचार्य देव देवव्रत, गुजरात से मुझे याद आता है कि गुजरात में जो है बहुत ज्यादा भगवान हुआ करता था, मतलब गुजरात यानी कि जब आप गुजर जाइएगा तो आप देव के पास चले जाइएगा, गुजरात गुजरात जब गुजर जाइएगा तो आप देव के पास चले जाएगा, यानी कि देवव्रत जब व्रत करेगा तो वापस आ जाएगा आचार्य के पास आ जाएगा, तो ऐसे ही आप याद रखते हैं। हरियाणा के आपका बंटारू दत्तात्रेय, हरियाणा जब हरियाणा, अच्छा हरियाणा से आप क्या रखते थे, हरियाणा से आप, अच्छा हरी हरी मतलब होती है शंकर, और शंकर जो है वो आपका बंडारू बंडारू मतलब डमरू ऐसा दिख रहा है, तो डमरू बजाते थे हरियाणा, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के आपका शिव प्रताप शुक्ल है, तो हिमाचल प्रदेश का आपका हिल 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 एक तो हिल हिल से हिलसा होती है, तो हिमाचल प्रदेश अच्छा हिमाचल 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 नहीं बहुत होते, हिमालय हिमालय पे जो रहती है वो आपका शिव रहती है, यानी कि शिव से अगर दर्शन करना है तो आपको हिमालय पर चढ़ना होगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल है, उतरेगा भी। कर्नाटक कर्नाटक का आपका थावर थावर चंद गहलोत है। अब कर्नाटक से कैसे याद रखे, कर्नाटक मतलब होती है कि नाटक, मुझे तो ध्यान आता, और नाटक करते करते आप जो है वो थावर चंद यानी कि थक जाइएगा, नाटक जितना ज्यादा आप करेगा उतना थक जाइएगा, मतलब कि आपके जो है वो गहन में आपके जग आपके जदो जहन पे जो है वो एकदम एकदम थका थका फील हो आएगा, आपके शक्ल पे थका थका फील, तो कर्नाटक करिएगा तो आपका थक जाइएगा, ठीक है आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा केरला से मुझे क्या आते है, केरला से मुझे याद आती है करेला याद आती है, करेला मतलब केरला, और करेला तो आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ तो आरिफ आरिफ मोहम्मद खान से आप क्या केरल से मुझे आता है, अगर उल्टा सीधा आप याद कर लीजिएगा तो फिर वो वहां एग्जाम में याद नहीं जाएगा। केरल
केरला से मुझे करेला याद आती है, और करेला जो होती है वो खाने में मजा आती है। हाँ करेला की जो है वो करेला जो है वो आपका खाने में मजा आती है। आरिफ मोहम्मद खान, खान मतलब खाने में, करेला जो है वो खाने में मजा आती है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का आपका जो राज्यपाल है वो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मध्य प्रदेश का राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल है। अच्छा मध्य प्रदेश को आप याद रखेगा, मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में दो भाई रहती है, मंगू भाई और चंगू भाई, मंगू भाई और चंगू भाई। या तो फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि मेरे मध्य मैं जो हूँ मध्य में हूँ, और मेरे जो बाहर है वो आपका मंगू भाई और चंगू भाई है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र का है वो रमेश वैस है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के राजधानी जो है वो आपका मुंबई है। और महाराष्ट्र में जाइएगा तो लोग जो है वो मन का बिल्कुल सीधे तरीके से बात नहीं करेगा, बिल्कुल बहस करेगा, मतलब बहस के बिना रहा नहीं उसको जाता, तो बहस करेगा, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में आपका जो है वो मणिपुर, मणिपुर से आप क्या रखते हैं, मणिपुर मतलब मुझे तो एक ही बात याद आती है कि मणिपुर मतलब होती है मणि, मणि मणि मतलब जो नाग नहीं देता वो। और सुश्री आसु आसु अनुसुईया, अनुसुईया उइके, सुश्री अनुसुईया उइके है। तो आप मणि से आप याद रख सकते हैं क्या बन सकता है, मणिपुर से आप मणि, मणि मणि जो होती है मणि, अच्छा मणि जो होती है वो एक अणु टाइप की होती है, एक मतलब कि जिससे जिस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो एटम्स जो होती है, मतलब कि अणु जो होती है, पार्टिकल्स जो होती है वो एकदम अणु टाइप की होती है। तो मणिपुर से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मुझे तो कुल याद हो गया यार उत्तरी। अच्छा मेघालय, मेघालय से आपके आता है मेघ, और मेघ जो होती है वो फगुआ में अगर हो जाएगा तो आपको जो है वो आपका जो है वो मतलब कि मजा नहीं आएगा, मतलब कि एकदम लगेगा कि चौहान, मतलब कि एकदम एकदम से लगे ना कि चौरा चौरा, एकदम से लगा कि चोरा चोरा चोरी के कांड हो गया, मतलब ऐसा लगेगा। तो मेघ होगा, मेघ हो जाएगा अगर फगुआ में तो आप जो है वो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम चौहान चौहान सा ऐसा लगेगा। मिजोरम, मिजोरम यानी कि मिजोरम, मिजोरम से आपको क्या याद आती है, मिजोरम से आती है कि मिजोरम से आती है डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू। ऐसा मिजोरम, मिजोरम मिजोरम से आप रिलेट कर सकते हैं कि मिजोरम, मिजोरम से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो है वो मिजोरम, मिजोरम से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, मिजोरम, मिजोरम मतलब कि मिजोरम मतलब हम लोग जो मिलते हैं, हम लोग जो मिलते हैं उसको मिजोरम कह सकते हैं, नहीं मिजोरम। रम, रम मतलब होती है दारू होती है, रम मतलब आपको पता होगा कि रम जो होती है वो दारू होती है, और दारू जो है वो मेरे कंठ से बिल्कुल नीचे नहीं जाती, यानी कंभपति, कंभपति हरि बाबू, कंठ से नीचे नहीं जाती है, तब मैंने हरि के नाम लिया, मतलब कि भगवान के नाम लिया, तब मेरे कंठ से नीचे चल गया, कंठ से नीचे चल गया। ऐसे भी आप याद, ऐसे नागालैंड से क्या आते थे ना, मतलब कि नागालैंड से मुझे याद आती है कि कोई रास्ते में मैं जा रहा था तो उसने उसने लैंड, लैंड मतलब होती है भूमि, और भूमि पर से नाग सराक रही थी, तो मैंने कहा कि ये भगवान मुझे बचा लीजिए, तो मैंने कौन से भगवान का नाम लिया, तो मैंने गणेश भगवान का नाम लिया, तो उसने मुझे बचा लिया। अच्छा उसके बाद आती है ओडिशा, ओडिशा से आपको क्या याद आती है, ओडिशा से मतलब है कि आप जो है वो जो आप ओडिशा से याद आती है कि आप उड़ने में ज्यादा अच्छा रहते हैं, तो आपने आपने किसी मामला में फंस गया था और आपने उड़ना चाहा, तो आपने क्या किया, आपने जो रघु, रघु मतलब होती है भगवान, भगवान के आपने नाम लिया तो आपने उड़ गया, ठीक है जी। उत्तरी, अभी आओ राजस्थान, राजस्थान से आप क्या याद रख सकते हैं, राजस्थान से आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान में लोग राजा की तरह रहते हैं, क्या रहते हैं, राजा की तरह रहते हैं, और इसको कल, कलराज, और इसको इसके जो नाम में भी है कलराज, राज है। उसके बाद में सिक्किम, सिक्किम से आपको क्या याद रख, लक्ष्मण, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम से आप याद रख सकते हैं कि सिक्किम से वहां पे जो लोग जाते हैं वो सिसक सिसक के रोते हैं, क्या सिसक सिसक के रोते हैं, क्योंकि सिसक सिसक के रोइएगा क्यों रोजेगा, वहां पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको सेवा करना पड़ता है, सभी को सेवा करना पड़ता है, तो सेवा करने में आपको कौन सा नाम आता है, राम की जो है वो सेवा करते थे हमेशा लक्ष्मण, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो आर एन रवि है। अब तमिलनाडु से आप क्या याद रख सकते हैं, तमिल, तमिल से आप याद रखते हैं कि तमिलनाडु में आर एन रवि है, रवि है, तो आप कहें कि तमिलनाडु, जब आप इसको तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, तमिलनाडु, तमिल, अच्छा तमिल में इसका मिलना है, तमिलनाडु में ही इसका मिलना है,
और जब जब मिलते हम लोग कब है, जब रबी की फसल की कटाई होती है खेत में, यानी कि आर और एन की जो मिलन होती है, वो जब रबी की फसल जब काटते हैं ना, तब आर और एन से मिलन होती है। ऐसे याद रख सकते यार, कुछ पता नहीं लग रहा। तेलंगाना, तेलंगाना से, तेलंगाना की जो राज्यपाल है वो सीपी राधा कृष्ण है। तेलंगाना, तेलंगाना से आपको क्या याद रख सकते हैं? तेलंगाना मतलब कि तेल, तेल, तेलंगाना, तेल, 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 तेल मतलब होती है कि तेल। और तेल से कैसे याद रखेगा? तेल, तेलंगाना मतलब कि तेल जो है, तेल, तेल में, अच्छा मतलब राधा जो है, राधा राधा जो है पूछती है कृष्ण से कि तेल में बथुआ के पराठे बना लूँ जी, बथुआ के पराठे बना लूँ। वो कहता कि सीपी वक सीपी सीपी ऐसा कुछ करके, मतलब कुछ आइडिया नहीं आ रहा। लेकिन जो है वो तेलंगाना में बथुआ के पराठे बनाने के लिए पूछता है कृष्ण से, राधा राधा कृष्ण से पूछता है, राधा पूछता है, ठीक है जी। आपका भी और है। अब यार उसके बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा का आपका जो है वो आपका नल्लू, नल्लू इंद्र सेना रेड्डी है त्रिपुरा। अच्छा आप ऐसे याद रख सकते कि त्रिपुरा, त्रिपुरा मतलब आपको ध्यान में आती है कि त्रिपुरा मतलब कि तीर्थ यात्रा पर जाने की बात करें, यानी कि मतलब कि कहीं पे ट्रैवल करने की बात करें। तो उनके जो पति हैं, उनके पति से पत्नी पूछती है कि मैं रेडी हो जाऊं जी, रेडी रेडी हो जाओ, नल्लू नल्लू इंद्र सेना, यहाँ यहाँ अगर नहीं रहेगा तो आप सेवा कौन करेगा, सेवा कौन करेगा मम्मी पापा की। तो वो कहता है कि मैं रेडी हो जाऊँ, मैं रेडी हो जाऊँ तीर्थ पर जाने के लिए। तो कहे कि तू अगर रेडी हो जाएगी तो फिर तो मम्मी पापा की कौन सेवा करेगा, कौन सेवा कर। तो रेडी और सेवा हम लोग किसी तरह से उसमें पहुंचना है। अच्छा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है आपका श्रीमती आनंदी बेन पटेल है। अच्छा उत्तर प्रदेश से आपको क्या याद आती है? उत्तर प्रदेश से आपको याद आती होगी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है वो आपका भगवान में ज्यादा विश्वास रखते हैं, यानी कि भगवान में। और भगवान की पूजा करने से हमें क्या मिलती है? तो आप कहें कि वो आनंदी आनंद मिलती है, तो आनंदी बेन पटेल हो जाएगा। अच्छा उत्तराखंड, उत्तराखंड से आपको क्या, उत्तराखंड से मुझे तो ऐसा ध्यान आती है कि वहां पे जो गुरमीत सिंह वहाँ का जो राज्यपाल है, तो उत्तराखंड से मुझे आता है ना याद कि वहाँ पे बहुत ज्यादा क्लीन जगह है। वहां पे जो है वो, जैसे वहां पे उत्तराखंड में एक राजा जी पार्क है, तो वहां पे जो है हिंदुस्तान, राजा हिंदुस्तानी की जो होती है वो फिल्म शूटिंग हुई थी। तो वहां पे जो मुझे उत्तराखंड सीन देखते हैं, तो वहां पे जो है बहुत ठंडा एरिया रहती है, बहुत ठंडा जगह है, और वहां पे जो है वो बहुत गोर गोर लोग रहते हैं, यानी कि गुरमीत, गुरमीत मतलब कि गोर गोर लोग रहते हैं। क्या होता है गुरमीत? गुरमीत मतलब गोर गोर लोग रहते हैं। उसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो है वहां का राज्यपाल है डॉक्टर डॉक्टर सी बी आनंद बोस है। अच्छा पश्चिम बंगाल आपको क्या, पश्चिम बंगाल से मुझे एक ही चीज ध्यान आती है कि पश्चिम बंगाल में उधर जो है वो सुंदरबन डेल्टा, क्या सुंदरबन। और जब को उस, जब उसको आप देखिएगा तो आप आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। और जब बिहार में आएगा या तो फिर आओ कहीं में आएगा तो एकदम बोस की तरह रहेगा कि मैंने तो सारी दुनिया घुमाया। या तो फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल का ध्यान आता है तो वो ममता बनर्जी की मुझे तो ध्यान आती है। और ममता बनर्जी जो है वो एकदम से कई सालों से वहां के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो वो एकदम बोस की तरह है। तो ऐसे भी रहते थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन रखा था, किस देश ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाया? तो किस देश ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी, किस देश ने पोखरा को अपनी पर अपनी पर्यटन राजधानी बनाया है? तो वो बनाया आपका नेपाल ने बनाया। नेपाल की सरकार ने पोखरा को पर्यटन राजधानी बनाने का फैसला किया था। पर्यटन राजधानी घोषित करने से पोखरा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक एक पहचानने योग्य ब्रांड के रूप में स्थापित करने करने में मदद करेगी। नेपाल की बात करते हैं तो इसे समझ में आया नहीं है। किस देश ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाया? तो किस देश ने आपका जो पोखरा को अपनी पर्यटन 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 राजधानी बनाया, तो आप कहेंगे कि वो नेपाल बनाई है। नेपाल की सरकार ने पोखरा को पर्यटन राजधानी बनाने का फैसला किया है। मतलब कि जो पर्यटन जो होती है ना, उसके जो राजधानी बनाने की बात किया गया, वो आपका बनाया गया है नेपाल के द्वारा किया गया। पर्यटन राजधानी घोषित करने से पोखरा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक पहचानने योग्य ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। नेपाल की अगर बात करते हो तो नेपाल की जो राजधानी है वो आपका काठमांडू है, और जहाँ की राष्ट्रपति आपका रामचंद्र रामचंद्र
पौडेल है, और आपका प्रधानमंत्री आपका पुष्प कमल दाहाल है, और आपका मुद्रा जो है वो आपका नेपाली रुपया है, और सूर्य किरण अभ्यास जो है आपका भारत नेपाल है। नेपाल के बारे में और भी बात करते हैं, तो नेपाल जो नेपाल के बारे में तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा से नेपाल जो है वो लगती है। किसको किसको आप कहेंगे, उत्तराखंड से लगती है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश से लगती है, उसके बाद में बिहार से लगती है, उसके बाद में आपका लगती है पश्चिम बंगाल से लगती है, उसके बाद में आपका लगती है सिक्किम से लगती है। इन आपका जो है वो लगभग लगभग 1, 2, 3, 4, 5 राज्य से लगती है। सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला जो देश बनी है, दक्षिण एशिया देश बनी है, नेपाल बनी है। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाई जाती है, तो आप कहेंगे 20 मार्च को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, मतलब आज जो है वो आपका प्रसन्नता दिवस मनाई जाती है। हर साल दुनिया भर में 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य खुश रहना है, अपने जीवन में खुशी के महत्व को अहमियत देना। मतलब 20 20, आप अच्छा 20 मार्च से पैसे भी याद रखते थे कि 20 जो है वो हमारे 20 तारीख को पूरा हो जाएगा, तो 20 मार्च 20 मार्च, तो ऐसा में आपको जो है वो हमेशा खुश रहने के लिए जो है वो 20 मार्च को जो है वो आपको अंतरराष्ट्रीय हैप्पी डे मनाई जाती है। आप हमेशा जो है वो कुछ आए या नहीं आए, आपको खुश रहनी है। खुश रहने में तो आपको पैसा नहीं लगती है ना, तो हमेशा बी पॉजिटिव रहिए। पहली बार यह दिवस 2013 में यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन द्वारा मनाया गया था। थीम जो रखी गई है 2024 में, अभी जो हाल ही में रखी गई है, वो आपका खुशी के लिए पुनः जुड़ना और आपका लचीले समुदायों का निर्माण, ये जो है वो खुशी के थीम रखेगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। 20 मार्च को हमेशा जो है वो आपका हर साल विश्व गोरैया दिवस मनाया जाती है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। मार्च में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस की बात कर लेते हैं, तो आपका 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाई जाती है। शून्य मतलब किसी के साथ आप जो भेदभाव नहीं कर सकते, और 1 मार्च को ही आप विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस भी मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस भी मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाई जाती है। 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, और 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं, और 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं, और आपका 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। विश्व आपका डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाते हैं। एसआई गेमिंग एजेंट सीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका किया गया है गूगल डीप साइंट। सीमा जो एआई सीमा जो है वो आपका स्केलेबल इंस्ट्रक्शन मल्टीवर्ल्ड एजेंट गूगल डीप माइंड ने अपना नवीनतम एआई गेमिंग एजेंट सीमा लॉन्च किया है। सीमा वीडियो गेम खेलने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण लाने के लिए डिजाइन किया गया है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करें, तो अमेरिका स्थित कॉर्ग्रीसन नामक कंपनी ने डेविन नामक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया। आईआईटी और रिलायंस इफोकॉम ने मिलकर हनुमान नाम का एआई मॉडल बनाया। दुनिया की पहली एआई सीईओ मीका ने बनाया। दुनिया की पहली एआई सीईओ जो बनाया है वो आपका बनाया है मीका ने बनाया। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा है,
जिसे जिसे ओडिशा टीवी ने लॉन्च किया है। तो भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर जो है वो आपका कौन है, तो आपका एंकर लिसा है, जिन्होंने ओडिशा टीवी ने लॉन्च किया है। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है, जिसका नाम आपका जो है वो आपका शांति गिरी विद्यावन है। भारत की पहली एआई टीचर आयरिस है, या एआई टीचर के रूप में आपको केरला में केटीसीटी एंड हायर से सेकेंडरी स्कूल में कार्य करती। अगर आप यहाँ पे पढ़ने जाइएगा तो आपको ये टीचर मिलेंगे। आज का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि निशानेबाज अखिल 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 सियोरान अखिल सियोरान और अनीस वानवाला ने पुलिस जीपी में कौन सा मेडल जीता है। आपका कौन सा मेडल जीता है, आपका गोल्ड मेडल जीता है। निशानेबाज अखिल सियोरान और अनीस वानवाला ने पुलिस ग्रैंड पिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। पुलिस ग्रैंड पिक्स का आयोजन पोलैंड में किया गया था। भारतीय राइफल और पिस्टल पिस्टल निशानेबाज में पोलिस ग्रैंड पिक्स में दो दो स्वर्ण पदक सहित कुल कुल 6 पदक जीते हैं। अनिल सियोरान ने पुरुषों की 50 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन स्पर्धा में आपका जो है वो 468.4 अंकों का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। पोलिस ग्रैंड पिक्स में भारत के अन्य पदक जीता है। तो आप कहें कि आपका मिला पोलिस ग्रैंड पिक्स में भारत के अन्य पदक विजेता कौन है, तो आप कहें कि वो जो है आपका आशी चौक से आपका रजत विजेता है, और आपका श्रीयंका सदांगी कांस्य पदक है, और आपका नीरज कुमार 2 कांस्य पदक है। तो अब इसको याद रखिएगा। अब ट्रिपल आर के लिए आप तैयार हो जाइए। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया, तो गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया, तब कहेंगे मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को घोषित किया। वैश्विक क्रिकेट भागीदार के रूप में कोका कोला ने किसके साझेदारी को 8 साल आगे बढ़ाया है, तो आपका बढ़ाया है आईसीसी आईसीसी को 8 साल आगे बढ़ाया। अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नया नाम क्या रखा गया, तो आप कहेंगे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है, तो आप कहेंगे सीआईएसएफ को सौंपा है। सीआईएसएफ आपको बताओ कि 10 मार्च को मनाई जाती है। और आपका जो 85वां बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो आप कहेंगे चिराग सेन ने जीता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित दूसरे मलेरिया वैक्सीन को किसके प्री क्वालिफाई कर दिया, तो आप कहेंगे WHO को। BSF लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, प्रमोद अग्रवाल को बनाया गया है। मेडटेल मित्र पहल को की शुरुआत किसके किसने किया है, तो आप कहेंगे डॉक्टर 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 मनसुख मांडविया ने किया है। अरे यार ये क्या लगा, ओहो, कहाँ तक पढ़ा दे, डॉक्टर मनमुख मांडविया ने किया। उसका नाम केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में दीघा सोनपुर को जोड़ने वाले पुल को मंजूरी दी है, तब कहेंगे बिहार। संतोष झा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं, तब कहेंगे संतोष झा जो आपका श्रीलंका में बने। आज के जो है वो हमारा जो है ये सॉरी 18 मार्च है 19 मार्च यहाँ पे आप 19 मार्च कर लीजिएगा। महिला प्रीमियर लीग 2024 का किताब किसने जीता है, आप कहेंगे कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का किताब किसने जीता है, आप कहेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया, आप कहेंगे TM कृष्णा को चुना गया। तमिली साई सौंदर राजन किस राज्य की राज्यपाल थी,
थी जिन्होंने अपने पास ही थी, पता तो तेलंगाना की थी। संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 भारत और किस देश के बीच किया गया था? आप कहेंगे सेल्स को, सेल्स को। व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने थे? आप कहेंगे पांचवी बार। चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन आइकन के रूप में किसे घोषित किया था? आप कहेंगे शीतल देवी को। सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया था? आप कहेंगे प्रभा वर्मा ने किया। आप कहेंगे स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत कहाँ हुई है? आप कहेंगे कि नई दिल्ली में। पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। केंद्र सरकार के स्पोक्स पर्सन के लिए रूप में किसी नियुक्त किया गया है? आप कहेंगे शेफाली शरण को किया गया। आज का सवाल जो आपका है वो आपका है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे दूषित प्रदूषित राजधानी कौन बना है? लूसेंट की बात कराते हैं दोस्त। आप कहेंगे ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिसके जिसके विरुद्ध जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो कौन थे? तो आप कहेंगे वो जो थे दोस्त वो आपका कौन थे? तो आप कहेंगे ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा जिनके विरुद्ध जो है वो आपका ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध जो है वो आपका लोकसभा लोकसभा में आप अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मोशन लाया गया था। तो आप कहें कि वो आपका जो एक ही प्रधानमंत्री है वो आपका है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू आप जो है वो इसको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका जो है वो आपका लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में पारित होने वाले होने वाले होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका कौन थे? तो आपके लोकसभा चुनाव में पराजित अच्छा लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं वो आपका बने इंदिरा गांधी बने। कौन बने हैं? तो आपका इंदिरा गांधी राइट उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने हैं वो आपका कौन बने हैं? तो आपका वो जो बने हैं वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने बना। कौन बना है? अटल बिहारी वाजपेयी ने बना। आज उसके बाद क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे वो मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ लाया गया था? तो वो लाया गया था, पता है आपको दोस्तों, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर लाया गया था। चलिए आज के क्वेश्चन को आप कितने अच्छे से पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आज का जो कितने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा। तो आप कहें कि IQAI किस देश का संगठन बना? तो IQ मैंने आपको बताया कि वो जो बना है वो आपका स्विट्जरलैंड की जो है वो संगठन बना है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? तो आप कहेंगे कि 108वां था। कौन था जी? आप कहेंगे 108वां था, मैंने आपको पहले ही बताया। साथी पोर्टल, अच्छा साथी साथ 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 आपको कब जरूरत लगा? साथी पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो साथ साथ आप जो है वो साथ जो है वो कब आप आते हैं? तो आपको कृषि में जब हम लोग काम करते हैं ना तब हम लोग जो है वो साथ की काम रहती है। कब की काम रहती है? तो आप कहेंगे साथ की काम रहती है। तो साथ आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कृषि मंत्रालय करेक्ट उत्तर। नेफ्यू रियो किस राज्य के मुख्यमंत्री? आप कहेंगे नेफ्यू हमारे जो है वो नाक से डर लगती है हमारे भतीजा को, हमारे नेफ्यू मतलब भतीजा होती है तो भतीजा को डर लगती है नाक नाक से, तो नागालैंड आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि
जेम्स एंडरसन किस देश के क्रिकेटर थे? जेम्स एंडरसन जो थे वो आपका थे इंग्लैंड के, जिन्होंने 700 रन बना करके विश्व के पूरे भारत के लगभग कि विश्व के था उस तरीके। तो सबसे जो है वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। अच्छा, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि रूबल, रूबल आपको पता होगा रूबल किस देश के करेंसी है, आपका रूबल जो आपका रूस का। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि क्या कहता है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहता है कि स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना था? आपका पंजाब बना। दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर किस राज्य में है? आपका तेलंगाना में। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के गवर्नर? अच्छा, राजेंद्र विश्वनाथ, आप इसको देख सकते हैं, राजेंद्र राजेंद्र जो था वो आपका बिहार के था। तो अच्छा, बिहार विश्वनाथ अर्लेकर जो थे बिहार के राज्यपाल है। कौन है जी? आप कहेंगे बिहार के जो है, ओह सॉरी, बिहार का जो गवर्नर है वो सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच चलाया गया था? तब कहेंगे सूर्य जो है सूर्य चलाया गया था वो किसके बीच चलाया गया था? तब कहेंगे वो जो चलाया गया है वो किसके बीच चलाया गया? तब कहेंगे वो जो चलाया गया है वो आपका नेपाल के बीच चलाया गया। किसके बीच चलाया गया? तब कहेंगे वो नेपाल के बीच चलाया गया। चलिए, तो आज के यहाँ पर हमारे जो खत्म होती है, काफी ज्यादा लंबा हो गया, वैसे मैंने ट्रिक से बहुत ज्यादा करने की कोशिश किया। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।